जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कानूडा कला में आप सबका स्वागत है। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना आपके यहाँ पर भी? लड्डू को भी बहुत ठंड लग रही होगी, तो चलिए आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसे घर पर एकदम आसान तरीके से, वो भी कम दामों में, बनाए लड्डू गोपाल जी के लिए वार्मर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गर्म बनियान, और उसके साथ की पजामी। आज मैं आपको दो तरह के गरम बनियान बनाना सिखाऊंगी, एक फुल स्लीव्स का और एक हाफ स्लीव्स का। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हाफ स्लीव्स वाला गरम बनियान। वार्मर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये 0 साइज का न्यूबॉर्न बेबी का वार्मर, और इसके अलावा हमें चाहिए कैंची, इंची टेप और सुई धागा। सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी की चौड़ाई और लंबाई को नापना है। मैंने जब नापा था तो लंबाई आई थी 2 इंची और चौड़ाई आई थी 2 इंची। अब हम नाप के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट ड्रॉ कर लेंगे। मेरे लड्डू गोपाल जी की चौड़ाई और लंबाई आई थी 2 × 2 इंचेस, जो होता है 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर्स। इसके हिसाब से चौड़ाई में ऊपर की तरफ दोनों साइड 2 सेंटीमीटर्स रखकर हम 1 सेंटीमीटर का गला बनाएंगे, और लंबाई में दोनों साइड 2.5 सेंटीमीटर के पास से सिलाई को तिरछा करना शुरू कर देंगे। मैं कपड़ा इस प्रकार से कट कर रही हूँ कि जो ऊपर वाली साइड हो, गले वाली, वो जुड़ी हुई हो। अब हम इसे सील लेंगे। हम यहाँ पर सिलाई हाथ से करें, मशीन से नहीं, क्योंकि मशीन में कपड़ा खींचता है और कटने का डर रहता है, खासकर ये वार्मर वाला। सिलने का तरीका यहाँ पे बखिया मारना है, हमें कच्चा नहीं मारना है, क्योंकि कच्चे में कपड़ा इकट्ठा हो जाता है बाद में। बखिया मारने के लिए जहाँ से सुई निकलती है, हमें उसके 0.2 सेंटीमीटर पीछे आके सुई दोबारा डालनी होती है, और जहाँ से पहले निकली थी उसके आगे 0.2 सेंटीमीटर में निकालनी होती है। जब सिलाई कॉर्नर पे आ जाए तो गांठ मार दीजिए, और याद रखिए बाजू से नीचे आते आते आपको सिलाई तिरछी करनी है, ताकि कमर थोड़ी घट जाए और एकदम फिट आइए। और ये देखिए हमारी आधी बाजू का भी बनियान रेडी हो गया है। इस वार्मर को आप शुरू शुरू की ठंड या जाती ठंड में पहना सकते हैं, और अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो तो इसे फुल स्लीव्स वाले इनर पे भी पहना सकते हैं। अब बनाते हैं गरम पजामी। इसके लिए भी आपको नाप लेना होगा, बेल्ट से लेके पैरों के पोंछों तक और कमर की चौड़ाई का, जिसके हिसाब से मैंने ये ड्राफ्ट बना लिया है। इसमें ध्यान रखें लंबाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा लें, 1 सेंटीमीटर नीफा मोड़ने के लिए और 1 सेंटीमीटर नीचे पोंछे मोड़ने के लिए, और चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा ले सिलाई के लिए, और बच्चों की नैपी की तरह इसे नीचे से ऐसे कट दे दे दोनों साइड, तभी हमारी पजामे की लेग्स अच्छे से बनेगी। मैंने कोशिश करी है यहाँ पे एक साइड से जुड़ा हुआ लेने की। अब सबसे पहले नेफा मोड़ेंगे। नेफा होता है बेल्ट जिसके अंदर नाड़ा या इलास्टिक जाती है। नेफे मोड़ने के बाद सुई की मदद से हम इसके अंदर डालेंगे इलास्टिक।
इलास्टिक डालने के बाद जो लास्ट की खुली हुई साइड है उसे भी सिल लेंगे। अब मैं जैसे दिखाऊंगी आपको बिल्कुल वैसे असेंबल करके आसन से लेके नीचे पोंचो तक सिलाई करनी है। इसमें भी बखिया मारे सिलाई कर लेने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। और ये लीजिए, मिनटों में हमारी पजामी भी रेडी हो गई। आपको ये वार्मर बनाने में ना ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा टाइम। चलिए बनाते हैं खूब ठंड के लिए फुल स्लीव्स वार्मर, यानी कि गर्म बनियान। इसका भी मैं आपको ड्राफ्ट बनाकर दिखाती हूँ। चौड़ाई थी लड्डू की 5 सेंटीमीटर्स, बाजू की लंबाई थी 1 इंचेस, जो होती है करीबन 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए हमने दोनों साइड 2-2 सेंटीमीटर्स बढ़ा दिया है 5 सेंटीमीटर्स में बाजुओं के लिए। ये आपको हाफ स्लीव्स का ड्राफ्ट लग रहा होगा, लेकिन हमारे लड्डू के हाथ थोड़े मुड़े हुए होते हैं, इसलिए फुल स्लीव्स में आएगा। इसमें एक साइड से सेंटर में कट मारेंगे, क्योंकि स्लीव्स वाला ऊपर से पहनाना मुश्किल होता है। अब बारी है इसकी सिलाई की। बाजू का 1 सेंटीमीटर होल छोड़कर उसके नीचे से हम सिलाई करना शुरू करेंगे, और जैसे ही थोड़ा नीचे आने लगेंगे तो सिलाई तिरछी हो जाएगी, ताकि जो कमर है वो घट जाए। ध्यान रखें वार्मर स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि खिंचने वाले, तो तीनों वार्मर इस प्रकार से काटे कि वो जो खिंचाव आए वो चौड़ाई में आए, लंबाई में नहीं, वरना पहनाने में मुश्किल होती है। लीजिए ये भी रेडी हो गया। आप चाहे तो इसके सेंटर में वेलक्रो चेपी लगा सकते हैं बंद करने के लिए, लेकिन हम अक्सर हल्की सी पजामी में दबाकर प्लीट दे देते हैं, तो ये आगे से खुलता नहीं है। हमारे सारे गर्म बनियान विद उनकी पजामी रेडी हो गए हैं। चलिए ट्राई कराते हैं। लड्डू पर तो ये एकदम फिट आया। आपको थोड़े से लूज लग रहे होंगे, क्योंकि जब भी इनर के ऊपर कुछ पहनाओ तो थोड़ा इनर लूज रहना चाहिए। अब तो लड्डू को ठंड भी नहीं लग रही। आप भी फटाफट बना लीजिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और ठंड से उनका भी बचाव कर दीजिए। ये बेबी इनर से बना है तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, स्किन को इरिटेट नहीं करता है। आप इसे डायरेक्ट पहना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक वाइट कलर में भी पूरा गरम सेट बनाया है। वार्मर को आप आराम से किसी भी ड्रेस के नीचे पहनाएं, स्पेशली इन्हें ऊनी चोलों के नीचे ज़रूर पहनाएं, क्योंकि ऊन डायरेक्ट स्किन पर नहीं पहनानी चाहिए, वो बहुत चुभती है। मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर kanuda.kala पर ज़रूर बताएं कि बनाने के बाद आपके लड्डू कैसे लग रहे थे इन्हें पहनकर। आई होप मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए और हेल्पफुल रहे। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। राधे राधे।